उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर दिल्ली रोड पर चौधरपुर जनपद अमरोहा स्थित एसएन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 28/4/2024 को बरोज इतवार दिन में 11 बजे फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा के सौजन्य से एक निशुल्क हड्डी रोग एवं ज्वाइंट रिप्लेसमेंट कैंप आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में चौधरपुर और आसपास के क्षेत्रों से लगभग 200 लोगों ने पहुंचकर इस विशाल किंतु निशुल्क कैंप का लाभ प्राप्त किया। इस कैंप में फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अतुल मिश्रा, डॉक्टर अहमद जफर के नेतृत्व में उनकी सहयोगी टीम ने रोगियों की जांच की व उपचार किया। साथ ही एसएन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चौधरपुर के डॉक्टर वेदव्यास सिद्धू, डॉक्टर मोहम्मद शारिक, डॉक्टर शिवांगी अग्रवाल, डॉक्टर हुसना शमीम, डॉक्टर कौसर नाथ, डॉक्टर बब्बू खान, डॉक्टर जुबैर अहमद आदि ने पूर्ण सहयोग किया। एसएन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के चेयरमैन एवं ट्रस्टी और सुप्रसिद्ध निर्यातक अलहाज मोहम्मद इकबाल शमसी व मोहम्मद अव्वाब शमसी के नेतृत्व में हॉस्पिटल के एमडी डॉक्टर मोहम्मद शारिक और जनरल मैनेजर डॉक्टर जहांआरा खान ने कैंप के आयोजन में सक्रिय सहयोग किया तथा व्यवस्थाओं को भली भांति संभाला। कैंप में मौजूद फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा के आर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर अहमद जफर से जब इस अवसर पर बात की गई तो विभिन्न प्रश्नों के उत्तर में उन्होंने बताया। नाम डॉक्टर अहमद जफर है, मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, जॉइंट रिप्लेसमेंट ट्रॉमा सर्जन, स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट। मैं फोर्टिस नोएडा में एज एन अटेंडिंग कंसल्टेंट पार्ट ऑफ डॉक्टर अतुल मिश्रा, वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है फोर्टिस के, उनकी तरफ से आज मैं यहाँ पे एहसान हॉस्पिटल में आया था। एक कैंप ऑर्गेनाइज हुआ था, उसमें ऑर्थोपेडिक्स पेशेंट ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स और उनका सोल्यूशन देने के लिए मेन पर्पज़ यहाँ इस कैंप का फोर्टिस और एहसान हॉस्पिटल की तरफ से ये है कि लोगों की जो भी इस रीजन में ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम हैं, हड्डी जोड़ गठिया बाय बदन दर्द, फ्रैक्चर्स या जोड़ ख़राब होना, ये सब बीमारियों का अच्छा क्वालिटी इलाज जिससे मरीज़ का पूरा सेटिस्फैक्शन हो, यही हमारा पर्पस था, यही हमारा मोटिव है और इस कैंप का भी यही मोटिव था। क्या ये कैंप आगे भी आयोजित होते रहेंगे? डेफिनेटली, जैसे आज का बहुत ही हमारा अच्छा रिस्पांस रहा पेशेंट्स का, ऑर्थोपेडिक पेशेंट ही हमने 100 के आसपास क्लॉक कर लिए, तो डेफिनेटली ये कैंप फ्यूचर में होते रहेंगे एंड इसी तरह से ऑर्थोपेडिक का आपको वो मिलता है। जैसे आपने बताया कि जॉइंट रिप्लेसमेंट या जॉइंट्स की प्रॉब्लम्स जो लोगों को रहती हैं, एक आम पब्लिक को आप क्या सलाह देना चाहेंगे जो इस बीमारी से दूर रहे? जनरली ये शुरुआत होती है हम लोगों के, जो हम लोग ज़्यादा उखड़ू बैठते हैं या आलती पालती मार के जो बैठते हैं या सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा चढ़ते हैं, तो इसलिए हम लोगों में देखा जाता है कि आफ्टर एज ऑफ 45 सारा जो हमारे जोड़ का कार्टिलेज होता है वो घिसने लगता है। तो मेन चीज़ ये है कि अगर हम इस बीमारी से अभी तक नहीं हुए हैं तो इसको ऐसे अवॉइड कर सकते हैं कि ज़्यादा उखड़ू ना बैठें, ज़्यादा वेस्टर्न टॉयलेट का यूज़ करें, ज़मीन पर ना बैठें, ज़्यादा लो सर्फेसिस पर ना बैठें, और जिन लोगों को ये चीज़ हो गई है उनको ये है कि उनको जो प्रॉपर ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट लें, नी कैप्स पहने, प्रॉपर फिजियोथेरेपी करें। सर्जरी इसका वो नहीं है, सर्जरी तो बिल्कुल लास्ट एंड पे ट्रीटमेंट है। हमारी कोशिश रहती है कि उसको जो लोगों के जो अपने नेचुरल जोड़ हैं उनको जितना हम लॉन्गिट्यूडिटी के साथ चला सकते हैं, उनको पेन फ्री कर सकते हैं, वही वैसे भी करें। थैंक यू, वेलकम। एहसन हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद शारिक ने इस मौके पर एहसन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के बारे में जानकारी देते हुए बताया। सर, मैं आपका नाम और आपका डेजिग्नेशन पूछना चाहता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद शारिक है, मेरा डेजिग्नेशन मैनेजिंग डायरेक्टर है एहसन हॉस्पिटल का। आज आप इस हॉस्पिटल में मौजूद हैं तो किस पर्पज से आप आए हुए हैं और क्या मॉनिटरिंग कर रहे हैं? एहसन हॉस्पिटल हमने 1 फरवरी 2024 से स्टार्ट किया है। यहाँ पर सभी तरीके के इलाज किए जाते हैं, बहुत निम्न स्तरों पर किए जाते हैं और सारी सुविधाओं के साथ किए जाते हैं। एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, 27 है, और गायनिकोलॉजिस्ट, सर्जन, ऑर्थोपेडिक, फिजिशियन का 24/7 बैकअप है हमारे यहाँ। सारी तरीके के विश्व स्तरीय जो जाँचें होती हैं हमारे यहाँ वो सब 24/7 की जाती हैं।
एक आम जनता के लिए आपके हॉस्पिटल की क्या क्या सेवाएं हैं जो औरों से सस्ती और आसान है? हमारे यहाँ सभी तरीके की जनरल सर्जरीज, सभी तरीके की गायनी सर्जरीज, जैसे कि सिजेरियन, नॉर्मल डिलीवरी, बच्चेदानी का, रसौली का ऑपरेशन, ये सब बहुत सस्ते दामों पे किया जाता है। आप क्या अपील करना चाहेंगे सब लोगों से, आपके क्षेत्र के लोगों से? मेरे सभी लोगों से अपील ये है कि स्वस्थ रहें और देश को आगे बढ़ाने में मदद करें। एहसन हॉस्पिटल की महाप्रबंधक डॉक्टर जहांरा खान ने इस अवसर पर कैंप के बारे में जानकारी देते हुए मुख्तलिफ सवालों के जवाब में बताया। मैडम, आपका क्या नाम है और आप इस हॉस्पिटल में किस पद पर कार्य कर रही हैं? मेरा नाम डॉक्टर जहांरा खान है, मैं एहसन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एज अ जनरल मैनेजर अपॉइंटेड हूं। आज आपने कुछ कैंप ऑर्गेनाइज किया है, इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? जी सर, हमने कैंप ऑर्गेनाइज किया है ऑर्थो केयर को लेकर। ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट से, फोर्टिस हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट से यहाँ सारे डॉक्टर मौजूद रहे। डॉक्टर अहमद जफर, डॉक्टर अतुल मिश्रा, ये सब एंटायर टीम के साथ आकर आज सारे पेशेंट को, अराउंड 200 पेशेंट ऑल ओवर देकर गए। उसमें आई डिपार्टमेंट भी था, बाकी मेडिसिन केयर में भी थे और ऑर्थो में भी थे। कैंप में आपने क्या क्या सुविधाएं मरीजों को दी? सारी जितनी भी कंसल्टेशन थी सर, फीस वो फ्री ऑफ कॉस्ट रही। बाकी जितनी भी जाँचें, बोन डेंसिटी की जो जाँच होती है वो भी फ्री रही, बीपी, ईसीजी वगैरह बहुत सारी जाँचें हमने, इन्वेस्टिगेशन जितनी भी थी फ्री ऑफ कॉस्ट की है। आप हॉस्पिटल के संबंध में क्या कहना चाहेंगी? सर, हॉस्पिटल के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि हम लोग बहुत ज़्यादा सुविधाओं के साथ आप लोगों के बीच मौजूद हैं, जो एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे। हर एक डिपार्टमेंट हम लोग लेके आ रहे हैं यहाँ पे, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ईच एंड एवरीथिंग वॉज हेयर। मतलब डॉक्टर्स वगैरह हम लोग हायर कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा डिपार्टमेंट से, इवन ENT हो, डेंटल केयर हो, ये सारे डिपार्टमेंट हम लोग इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। मेडिसिन हमारे पास है, ऑब्स गाइने है, जनरल सर्जरीज हम लोग कर रहे हैं, आई डिपार्टमेंट हमारा अराउंड 16 ईयर से ऑलरेडी वर्किंग में है। आप अपने हॉस्पिटल के आसपास की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं उन सबसे यही उम्मीद लगाकर बैठी हूँ, सीरियसली 20 किलोमीटर अवे से मैं यहाँ पर आती हूँ, और यही सोचकर एक उम्मीद के साथ कि वी विल ग्रो टुगेदर, हम लोग साथ बढ़ना है, हर एक जो हमारा जो पेशेंट है उन सबको लाभ पहुँचाना है। इस वैसे एरिया में जैसे नेशनल हाईवे है, इतनी प्राइम लोकेशन है, और ये सारी सुविधाएँ अगर हम अपने पेशेंट को देंगे तो उनके लिए एक बेनिफिशियल रहेगा, और साइड बाय साइड हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते रहेंगे। हर एक डिपार्टमेंट से, दिल्ली से काफ़ी सारे हॉस्पिटल से हमारा टाई अप है, चाहे ऑर्थो हो, कार्डियक हो, न्यूरो हो, साइड बाय साइड हम कैंप करेंगे, उनके लिए एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करते रहेंगे, और अपनी सुविधाओं के साथ हम बैठे ही हैं, हमेशा तत्पर है, आप लोगों की सेवा में है, तैयार भी हैं, आप लोगों का सहयोग चाहिए। मैडम, आप जो ये हॉस्पिटल से जो ज्वाइन किया है और जो आपने सुविधाएं आपको उपलब्ध करा रही हैं, और दूसरे अस्पतालों के निर्भर जो पेशेंट हैं उनसे आप कितना ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकती हैं? एक्चुअल अगर मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल देती हूँ, कंसल्टेशन जो फीस होती है आमतौर पर हर एक जो नियर बाई मेरे हॉस्पिटल्स हैं 500-600, बस 150 का कंसल्टेशन चार्जेस लेके हम लोग यहाँ स्टार्टअप किया है। उस तरह से हम लेकर चल रहे हैं कि हमें डाउन टू अर्थ रहकर इन लोगों की सेवा करनी है, इन लोगों को बहुत सुविधाएं कम से कम उचित मतलब दामों में मुहैया करानी है, हर एक एंगल से उन लोगों को फ़ायदा पहुंचे। गरीब जनता हमारी है, हमारे बीच में है, तो जितना सहयोग हम उन्हें दे सकते हैं हम अपनी तरफ से। मशहूर चिकित्सक और नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन मुरादाबाद इकाई के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर शहाबुद्दीन ने इस मौके पर इस फ्री आर्थोपेडिक कैंप के आयोजन की तारीफ करते हुए कहा। मैं डॉक्टर शहाबुद्दीन, आज एहसन हॉस्पिटल में एक आर्थोपेडिक कैंप का आयोजन हुआ जिसमें मुझे उन्होंने बुलाया, इज्जत दी। मैं पूरी एहसान ग्रुप का एहसान मंद हूँ कि आप लोगों ने मुझे बुलाया और इसे इतनी इज्जत दी। ये कैंप फोर्टिस हॉस्पिटल दिल्ली की, नोएडा की तरफ से हुआ है, जिसमें लगभग 200 से ज़्यादा पेशेंट देखे गए। डॉक्टर अहमद जफर, जो मेरा भतीजा होता है, उस कैंप में
उसने पेशेंट्स को देखा। ये अजीत मिश्रा जी की टीम है फोर्टिस की, उसका एक पार्ट। इस तरह के कैंप्स यहाँ लगते रहेंगे और एहसान हॉस्पिटल में जिस तरह से ये आप लोगों ने शुरू किया है, आप बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि आपको जैसे मुझे मालूम हुआ है कि आप लोगों का मिशन पैसा कमाना नहीं है, गरीब मरीजों का इलाज करना है, उनको फ़ायदा पहुँचाना है। मैं एक बार डॉक्टर जहारा जो यहाँ की जनरल मैनेजर हैं, मैं और पूरे एहसान हॉस्पिटल की एंटायर टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपके मकसद को कामयाब करे, लोगों को फैज पहुँचे और लोगों को आपसी दुआएं मिले। आमीन, थैंक यू सो मच।